आज आपको बताएंगे आयरलैंड के बारे में, यूके के बारे में। आपका शेंगेन वीजा रिजेक्ट हो गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप आयरलैंड का वीजा ले सकते हो। एक फ्रेश पासपोर्ट में भी आयरलैंड का वीजा अप्रूव्ड कर देता, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आपके जेन्युइन होने चाहिए गाइस। और साथ में यूके का वीजा अप्लाई करना, यही सही टाइम है, यूके का वीजा अप्लाई करो। बहुत सारे पर्सन कह रहे हैं कि वन मंथ हो गया, यूके का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कोविड के केसेस वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो इस कारण अम्बेसी ने स्पेशल बोल दिया था अभी वीजा अप्लाई मत करो। न्यू दिल्ली में भी फाइल लेना उन्होंने क्लोज कर दिया था काफी रश होने के कारण, क्योंकि कोविड के केसेस ज्यादा बढ़ गए थे तो फ्लाइटें उन्होंने लिमिटेड कर दी थी। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यूके का वीजा आप अप्लाई कर सकते हो और यही सही टाइम है यूके का आपने वीजा अप्लाई करना है, क्योंकि क्वारंटीन खत्म कर दिया है गाइस। हां जी, गुड न्यूज है आपके लिए, यूके ने क्वारंटीन खत्म कर दिया है और साथ में आयरलैंड में भी कोई क्वारंटीन नहीं है, तो आप आयरलैंड का वीजा भी अप्लाई कर सकते हो, यूके का वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन सी सिटी में जाके अप्लाई कर सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम आए तो जस्सी पंजाबी को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो, ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो गाइस फुल वीडियो देखो। तो सत श्री अकाल, वड्या नु पैरी पहना ते छोटिया नु मेरा प्यार। तो फाइनली आज आपको बताएंगे आयरलैंड का वीजा लग रहा है गाइस, फ्रेश पासपोर्ट भी है आपके पास तो आयरलैंड का वीजा ले सकते हो। ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है और ये शेंगेन जोन में नहीं आती, लेकिन आयरलैंड ना काफी पावरफुल कंट्री है और वहां पे आप घूमने के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो। और साथ में कॉम्बिनेशन बता देता हूँ इसके क्या क्या होएंगे, या वाया टर्की भी ले सकते हो, आप वाया शेंगेन भी ले सकते हो, वाया रशिया ले सकते हो, तो तीन कंट्री के साथ आप एड ऑन कर सकते हो आयरलैंड और साथ में यूके के साथ भी। या आप डर रहे हो यूके का वीजा अप्लाई करने के लिए, यूके रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, तो यही सही टाइम है, आप आयरलैंड का वीजा ले लो, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को नहीं पता। ये देखिए गाइस, आयरलैंड के वीजे लग रहे हैं, सक्सेस रेट बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आयरलैंड में अब मैंने ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ट्रैवल हिस्ट्री मैटर नहीं है इसके लिए, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन मैटर है, आपकी आइटनरी मैटर करता है। इस तरह से एक्सप्लेन कर ले आयरलैंड को कि आप घूमने के लिए जा रहे हो, कौन कौन सी जगह में जा रहे हो, बहुत सारे कम पर्सन अप्लाई करते हैं, तो इसलिए वीजा सक्सेस रेट काफी अच्छा है, क्योंकि हर कंट्री जाती है कि हमारी कंट्री डेवलप हो, हमारी कंट्री में टूरिज्म बढ़े, टूरिज्म बढ़ेगा तो उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी, तो आयरलैंड काफी अच्छा रिस्पांस दे रही है। इस टाइम आप आयरलैंड का वीजा अप्लाई करते हो तो आयरलैंड का आपके पास वीजा आ गया, तो फिर आपका शेंगेन का वीजा भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपका यूके का वीजा आने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो आपका या शेंगेन रिजेक्ट हो गया वीजा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आयरलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हो, आप ऑप्शन में ले सकते हो, या टर्की का वीजा अप्लाई कर सकते हो, या रशिया का वीजा अप्लाई कर सकते हो। और आयरलैंड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, आयरलैंड शेंगेन का, या टर्की और आयरलैंड भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, या वाया रशिया से भी जा सकते हो, काफी चीपेस्ट फ्लाइट है आयरलैंड के लिए। आयरलैंड और यूके का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आपका बजट कम है तो आयरलैंड आप अप्लाई कर सकते हो। इस टाइम आयरलैंड काफी अच्छे सक्सेस रेट दे रहा है और ये यूके के साथ पड़ता है, लेकिन ये अलग कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में आती है लेकिन शेंगेन में नहीं आती गाइस, काफी पावरफुल कंट्री है। मैं अब आपको बताएंगे यूके के बारे में, तो यूके ऑनलाइन अपनी फाइल प्रोसेस कर दो। न्यू दिल्ली में भी इसने फाइल लेना फिर दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, जलंधर चंडीगढ़ से भी अपनी फाइल लेना स्टार्ट कर दिया, बीच में इन्होंने रोक दिया था लेकिन अब फाइनली फिर दोबारा स्टार्ट कर दिया गाइस। तो यूके का वीजा अप्लाई करो, इसमें दो कैटेगरी होती है, या आप करते हो प्रीमियम सर्विस या करते हो नॉर्मल सर्विस। नॉर्मल में 15 वर्किंग डेज लगते हैं, तो 15 वर्किंग डेज में अब आ रहा है रिजल्ट, कोई अब घबराने की जरूरत नहीं है, पहले 30 डेज लग रहे थे लेकिन अब नहीं लग रहे। और साथ में एक होती है प्रीमियम सर्विस, वो 3 to 5 वर्किंग डेज के अंदर वो अपना रिजल्ट देते हैं, उसके कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं VFS के, तो डेफिनेटली वो पे करके आप यूके का वीजा जल्दी लेना चाहे तो आप ले सकते हो और वाया यूके से जा सकते हो। ब्रिटिश एयरलाइंस ऑपरेट हो रही है, आप सबको पता है ब्रिटिश एयरलाइंस इंडिया से काफी चीपेस्ट फ्लाइट है, और वाया यूके भी आप दिखा सकते हो। ट्रांजिट वीजा आपको इजीली मिल जाएगा, कैनेडा का आपके पास वैलिड वीजा है और कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन लगाने की जरूरत नहीं, आप फ्लाइट की कंफर्मेशन लगाओ और क्या अदर डॉक्यूमेंटेशन लगाना है तो वो मैं व्हाट्सएप में आपको पूरी चेकलिस्ट भेज दूंगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है गाइस। और कौन कौन सी कंट्री अभी ओपन है तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। तो आपको फाइल रिगार्डिंग, आपको कोई भी क्वेश्चन हो वीजा रिगार्डिंग, तो आपको मेरे को व्हाट्सएप पे जस्ट मैसेज करना है, तो आपको मेरे एम्प्लॉय कॉल कर लेंगे, या मैं खुद आपसे मेरे से बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, ठीक है गाइज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आपका अपना जस्सी पंजाबी, सत श्री अकाल।